हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबोध ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज संडे है और हम लोग सब लोग अभी तक सोए हुए थे और आज देखिए अभी मैं तो पहले उठ गया और अभी तो सब लोग सोए हुए हैं। देखिए मैंने अभी चाय बनाने का ड्यूटी आज मेरा है, मैं चाय बना रहा हूँ और ये सब लोग सोए हुए हैं। देखिए ये भी मैं सोई हुई है, बच्चे लोग भी सब सोए हैं। अब संडे है तो चलिए इनको थोड़ा आराम से सोया दिया जाए। चाय बना लेता हूँ तब जगाऊँगा। रोज़ तो ये बनाती है, आज मैं बनाता हूँ। बाहर का मौसम भी आज क्या है, बारिश ही हो रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा था मगर अभी 7 बज गया तो बोला कि जाने दो, बहुत टाइम हो गया। अभी रोज 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, तो इसके लिए नींद भी नहीं लग रहा था, जगा हुआ ही थे। चाय बना लेते हैं फिर जगाते हैं और चाय पियेंगे और फिर बाकी के बाद में फिर बहुत सारे काम है, घर के ही बहुत सारे काम है, वो सब आज करना है। बहुत दिन से सब पेंडिंग रखा थे। वॉशिंग मशीन में भी शायद पानी नहीं आ रहा है तो उसको भी देखना है कि क्यों पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी आज बना लेंगे। देखिए चाय भी बन गया, अब चलिए इनको जगा दिया हूँ, अब चाय ले जाके दे देते हैं, चाय मस्त बैठ के पीते हैं। चलिए जग गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। ये देखिए पानी लाया हूँ, पहले पानी पी लीजिए, सुबह सुबह पानी पीना अच्छा रहता है। हाँ रोज तो सोते ही रहते हैं, तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं, हम फिर बाद में जो भी देखते हैं। बाहर तो बारिश है, बाहर तो आज जाना मुश्किल ही है क्योंकि वो डुगू को भी घाव है ना। हाँ उसका भी घाव सूखने में, हाँ मेरे को लग रहा है उसका घाव सूखने में अभी भी टाइम लगेगा पूरा, नहीं तो पानी से भीगेगा तो फिर से उसमें ये हो सकता है। चाय पीने के बाद तो मैं किचन में आ गई, इनके पापा फिर से सो गए, मैं दाल भी बना ली हूँ और सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तभी थोड़ी भाजी नहीं है तो वो अभी जा रहे हैं भाजी लाने, भाजी ला के तो बनाऊंगी। परी और उनके पापा सोए हैं, वो फिर से सो गए, मैं अपने किचन में अब खाने की तैयारी करने लगी। चलिए तो भाजी लेके खाने की तैयारी। हाँ ये भी उठ गए मेरे साथ, ये भी काम कर रहे हैं, अभी भाजी लेने जाएंगे है ना। हाँ चलिए गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। परी मग किधर है, मग लेकर आइए, किचन में रख कर आए हो बेटा, लेकर आइए। पहले इसको चालू करके देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम। ये तो नल खोला था मगर इसमें मतलब अभी फर्स्ट टाइम पानी का जाम हुआ है ना, खरीदे तब से अभी तक कभी नहीं हुआ है। थोड़ा आवाज आ रहा है इसमें, कम पानी आ रहा है, इसको पहले नल से चेक करते हैं। खरीदा हुआ भी हमें लग रहा है कि 6.5 साल हो गया। नल से तो ठीक आ रहा है, नल से आ रहा है पानी ठीक, नल से ठीक आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या करूं? रख कर आइए फिर मांगेंगे तो लाइएगा। जाइए बोलिए। परी दीजिए ना मग, लाइए ना पानी फेंक के लाइए मो। इसमें भी तो ठीक ही दिख रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक दिख रहा है, पानी फेंक के लाइए इसका। हाँ दे दीजिए पापा को, दे इसको एक बार चला के देखता हूँ। आ रहा बराबर, ये पकड़िए बेटा, गमले में डाल दीजिए उधर पानी। देखिए इसका ये पूरा जाम हो चुका है, तो इसको हाँ इसमें पूरा गंदा पानी वानी जाके हो गया, तो इसको अभी लग रहा है टंकी उनकी जो साफ करते हैं। हाँ इसको ना टंकी उनकी साफ करते हैं, तो इसको अभी खोल के साफ करेंगे। हाँ तो इसके लिए वो गंदा पानी आता है। देखिए ये हमने निकाला क्या है इसका, ये फिल्टर पूरा जाम हो गया है गंदे पानी जाके, इसको हम आप साफ करके लगा देंगे तो फिर पानी अच्छा से आने लगेगा। हमको लगा कि इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मगर चलिए कि ये छोटा ही प्रॉब्लम है। हो गया। अब इसी के लिए अगर मिस्त्री बुलाते, कंपनी को फोन करते, हाँ,
तो कम से कम इसका ही 500 रुपया, यहाँ पे 1500 मिनिमम चार्ज है। कुछ भी आइएगा तो अरे बंद है ना। देखिए इसको अब हमने अच्छा से साफ कर लिया। अच्छा है कि एक फ्रेंड ने बता दिया कि एक बार वो चेक कर लीजिए, पीछे फिल्टर रहता है, नहीं तो फिर यहाँ पे इसको मतलब रिपेयरिंग करने के लिए मिस्त्री बुलाना पड़ता। तो चलिए इसको लगा के एक बार चेक करता। ये देखिए अब हमने इसको लगा दिया और चल के अब देखते हैं चालू करके कि पानी आ रहा है कि नहीं। साफ़ करके लगा दिया। अगर ये ट्रिक कामयाब हो गया तो अपना काम भी हो जाएगा, मेहनत भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। चलिए अब एक बार देखते हैं चालू करके। हाँ वाह, चालू हो गया। देखिए अब इतना पानी आ रहा है और आवाज़ भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा पानी आने लगा। परी नहा ली? हाँ। खुद से नहा ली? आज माँ ने नहवाया? जनरली रोज खुद नहा लेती है। कल खुद नहाओगी? कल भी स्कूल छुट्टी है। हाँ ठीक है, छुट्टी है। बाल किसने संभाला आपका? मैंने संभाला। बाल खुद से कर ली? वाह, अब बाल कटवा दे तुम्हारा, छोटा कर दे? बड़ा हो रहा है। टीचर कुछ बोली नहीं ना स्कूल में? बोली है इस बाल को हेयर कट करके आना है, छोटा करके, बड़ा करके नहीं। मगर माँ तो बोल रही थी कि नहीं थोड़ा मेरा बड़ा होना चाहिए मेरा बेटी को। नहीं नहीं अभी मत कट करो, अभी रहने दो। हाँ, काटने के लिए चली गई थी सीजर लेके, तो हमने बोला कि नहीं अभी रहने दो, बाद में कभी कटवा देंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ तो जाओ अब खेलो आप। ठीक है चलो। आज तो खाना खाने में भी बहुत लेट हो गया है। खाना बना है? तो देखिए ये लोग तो बोर हो गए। परी तो एक नींद मार मतलब सो के भी एक बार उठ गई है ना। अभी 9 बजे फिर से सो गई थी, नहा धो ली और थोड़ा बिस्किट विस्किट खा ली और सो गई। और अभी तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, देखते हैं क्या क्या बन गया है, क्या क्या बाकी है। बना रही हो कि इतना टाइम लग? अरे पकौड़ा फिर शाम को बनाना चाहिए था ना। तो आज फ्रेंड्स हमने ना मतलब ये नहीं किया, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आज खाना खाना है। चावल मतलब राइस बना है, दाल बना है, सब्जी बना है। हाँ, और मतलब हम अभी पकौड़ा बना लिया। और यहाँ बारिश अभी भी हो रहा है तो बाहर तो किधर जाने का प्लान ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे कि पहले बताया प्रियांशु का मतलब घाव है ना, तो घाव जब तक ठीक नहीं होता तब तक वो किधर जाने का हमारा प्लान ही नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है आज खाना एक इंजॉय करते हैं। अब बना लो, अभी और है क्या? अभी बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा और है तो हो जाएगा। तो हम हाँ अभी भूख ज़्यादा लगने लगा। बच्चे ने तो थोड़ा बिस्कुट विस्कुट खा लिया है, हम लोगों ने तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। 10 बज गए शायद, आज संडे है तो सब आराम से ही होता है। ठीक है आप लेकर आइए। हाँ ठीक है चलेगा। चलिए अब हमारा खाना आ गया। ये देखिए ये लोग खाना शुरू भी कर दिए हैं। तो इतना वैरायटी है कि मत पूछिए, संडे स्पेशली हो गया। अभी लग तभी तो लेट लग हो गया ना, बहुत लेट हो गया बनाने। अभी आके खा लीजिए। चलिए आप लोग खाना खाइए। परी मेरे साथ खाने वाली है। मेरे साथ अभी सलाद लोगे? हाँ दे दीजिए। हाँ ठीक। चलिए अब हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। खाना हम खा लेते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। अभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू मेरा खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और परी बैठ के इंतजार कर रहे हैं। का मतलब फुल मजा ले रहे हैं। हाँ तो चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं। इतना खाना हो गया कि मत पूछिए, एक लग रहा है कि 7 दिन का खाना आज ही खा लिए हैं। अब कुछ तो काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, 1-2 घंटा ये लोग टीवी देखेंगे और हम मैं चल रहा हूँ मतलब अब सोने मतलब आराम करने। इतना जल्दी तो नींद नहीं आएगा, मगर जब आएगा तो देखेंगे, रिलैक्स होता है। चलिए अभी हम नाश्ता लाए, तो नाश्ता करते हैं। शाम का टाइम हो गया है, दिन भर तो आज सोई के हम लोगों ने बिताया। नींद बोले क्या खराब हो गया था तो बनवाने गए थे, तो बनवा के आए थे। कुकर खराब हो गया था, पेंट वन जो था थोड़ा बहुत सीन मतलब निकल बच्चों गया का था। जो था वो निकल गया था, न्यू पेंट का मतलब ऐसा सिलाई रहता है कि निकल गया था। तो ये तो मतलब आज अपना काम कर लिए, मैं अभी उनको नाश्ता दे कर आई।
अभी यही खा रहे हैं, थोड़ा चाय पियेंगे और वॉकिंग करने जाएंगे। बारिश तो अभी भी हो रहा है तो चलिए, हल्का है तो मतलब चले जाएंगे, थोड़ा वॉकिंग करके आ जाएंगे। इतना है जितना हम लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, मतलब आ रहे जा रहे फुई फाई, तो उससे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बाय बाय।